सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? दिस इज अनिकेत फ्रॉम ट्री ऑफ स्किल्स। वेलकम बैक टू द टुडेज कीबोर्ड क्लासेस। सो आज हम सीखने वाले हैं एक सॉन्ग। तो सॉन्ग का नाम है तुम ही हो फ्रॉम आशिकी 2। एक मूवी आई थी बॉलीवुड की, उसकी एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग है। काफ़ी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं फॉर इसका जो मेलेडियस जो स्ट्रक्चर है सॉन्ग का, ठीक है। जब इसका शुरू होते हैं, ये जो सॉन्ग शुरू होता है, तो उसका जो कीबोर्ड का थीम है, जो जितने सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट उसमें एडजस्ट किया गया है एक के बाद एक किस तरीके से, सो ये जो है ना, ये काफ़ी एक अच्छा साउंड क्रिएट करती है ये सॉन्ग जो है। सो इसको हम कीबोर्ड में भी बहुत अच्छी तरीके से बजा सकते हैं, ठीक है। सो किस तरीके से इसको बजाया जाता है, कॉर्ड प्रोग्रेशन इसमें कौन सा यूज़ होंगे, हम किस तरीके से राइट हैंड को प्ले करेंगे, तो चलिए आज के क्लासेस में हम ये जल्दी से इसको देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमने जो कॉर्ड प्रोग्रेशन सीखा, ए माइनर सी जी एफ, ये आपको याद होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ ही हम इसको सीखेंगे। ओके, तो फर्स्ट आपने देखा था ए माइनर इस तरीके से बजाया जाता है, फिर सी इस तरीके से, देन जी, देन एफ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को जाके पहले से जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया था डिटेल्स में किस तरीके से कॉर्ड प्रोग्रेशन करा जाता है, एंड दो तीन पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जिससे इस गाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ओके, सो इस गाने का जो मेन ट्यून है, फर्स्ट लाइन जो है, वो जिसको सुन के हमें पता लगता है कि हाँ ये गाना शुरू होने वाला है, वो कुछ इस तरीके से है। फिर सो ये जो फर्स्ट लाइन है, हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ओके, सो उसमें हम फर्स्ट ए माइनर कॉर्ड का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे ई ए जी जी एफ एफ ई, ठीक है, ये बजाएंगे। देन जब हम यहाँ पे डी पे आ जाएंगे, डी सी डी एफ ई ई, वहाँ पे हम सी कॉर्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद डी डी सी डी डी सी बी ए जी ए, ये है आपका नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन और नेक्स्ट लाइन को एक साथ बजाते हैं, तो यहाँ पे हम सी से शुरू करेंगे, ठीक है। सी के बाद, सॉरी, सी से नहीं, हम ई से शुरू करेंगे, सी पे वापस आएंगे। ओके, और यहाँ पे हम जी कॉर्ड का यूज़ करेंगे जब हम डी पे आ जाएंगे, ठीक है। और जब हम बी पे आएंगे तब हम एफ कॉर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक साथ आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, एक कॉपी में, फिर नोट सामने रहेगा तो आपको देख के बजाने के लायक आपको जल्दी आप बजा पाओगे इस चीज़ को। तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिए और फिर से नोट को लिखिए एंड फिर से मेरे साथ बजाइए। ओके, पहले ए माइनर से, और सेम लाइन फिर से रिपीट होगा, बस यहां पे ई से शुरू किया था, अभी यहां पे डबल ई बजाइए, ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक बार मेरे साथ बजा लीजिए। ओके, सो यहाँ पे जो आप वीडियो में साउंड सुन रहे होंगे वो काफ़ी सस्टेन उसमें नहीं होगा, उसमें काफ़ी अननेचुरल सा नॉर्मल साउंड आपको सुन रहा हो, आप सुन रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ फॉर मतलब एक रिकॉर्डिंग है बस ये। लेकिन आप जब इसको ओरिजिनली सुन रहे होंगे, जो जब कीबोर्ड में मैं बजा रहा होंगा, आप बजा रहे होंगे कोई भी, तो उसमें सस्टेन एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें यूज़ होंगे, टच सेंसर की, जब मैं ज़ोर से टच करता हूँ तो वो ज़ोर से बजती है, जब मैं धीरे टच करता हूँ तो धीरे बजती है, सो वो जब आप सुनोगे तो वो एक अलग ही फील देगी, ठीक है। सो आप वीडियो को मत देखिए, वीडियो मतलब आई थिंक वीडियो को तो देखना बहुत ज़रूरी है, बट वीडियो पे जो है उसको पूरा परफेक्ट साउंड मत सुनिए, आप खुद मतलब खुद बजाइए एंड उसको महसूस कीजिए कि वो जो साउंड है वो किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जो सस्टेन है वो क्या होता है, जी हम सी बजाते तो वो जो सी है ना वो दो तीन सेकंड तक गूंजती रहती है, ठीक है। तो हमें वो साउंड चाहिए इस जो हमारा
सॉन्ग है इसमें वो साउंड हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो साउंड होना। तो अगर आपके कीबोर्ड में सस्टेन है तो वो ऑन कर लीजिए, अगर नहीं आता तो आप देख लीजिए किस तरीके से सस्टेन को ऑन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही हम करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय, थैंक यू।